नमस्कार, मैं रोहिणी हट्टंगड़ी। मैं थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड आपको बता दूं। और मैंने पहले वाले कुछ लेक्चर्स सुने भी हैं, तो थोड़ा सा ये हो रहा है कि एकेडमिकली मैं कितनी आपको कुछ बता पाऊंगी वो पता नहीं, लेकिन मैं अपने थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है उससे मैं क्या सोचती हूँ थिएटर के बारे में, मैं क्या सोचती हूँ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा मैं आपको बता सकूँगी। तो थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड आपको मेरी बता दूँ। मैं पूना से हूँ, पूना में पली बड़ी, पूना में ही ग्रेजुएट हुई और ग्रेजुएशन के बाद मैं पूना से निकली। लेकिन शुरू शुरू में मेरा बचपन अच्छा गुजरा। मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन फैमिली से मैं हूँ, ब्राह्मण फैमिली से हूँ। तो बचपन में माँ बाप का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। एकेडमिक्स में तो मैं ठीक ठाक थी ही, लेकिन ये जो मेरा बाकी सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसे बोलते हैं, जैसे मेरी माँ ने उसके शौकिया तौर पे मुझे, मैं जब थर्ड स्टैंडर्ड में थी, यानी मेरे ख्याल में 8-9 साल की थी, तभी मुझे डांस क्लास में शौकिया तौर पे भेज दिया। अब डांस क्लास में भेजा तो अब बच्चे जब पढ़ते हैं या सीखते हैं कुछ, तो नेचुरली कभी गेट टुगेदर वगैरह होता है, उसमें ऐसे होता है कि चलो कुछ करके दिखाओ, कुछ गा के दिखाओ, कुछ नाच के दिखाओ, ऐसे। तो वैसे ही मुझे बताया जाता था किसी फैमिली गेट टुगेदर में, चलो रोहिणी थोड़ा सा नाच करके दिखाओ, तो रोहिणी उठ जाती थी और नाचना शुरू कर देती थी। छोटा ही, 1-2-4 मिनट का, लेकिन उससे जो सराहना मिलती थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, और उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ने लगा। अब वो हौसला बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल में एक आपके इर्द गिर्द जो रहने वाले होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो माँ बाप मेरे लिए थे। और उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कि ये मत करो वो मत करो। हालांकि मैंने स्कूल डेज में मैंने वॉलीबॉल खेला है, टेबल टेनिस खेला है, मैं बैंड में थी, हमारे स्कूल के बैंड में थी, और मुझे वो पीटी वगैरह करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं स्पोर्ट्स में चली गई। और डांस करती थी तो कभी भी किसी भी कंपटीशन में मैं आगे हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो एक तो पेरेंट्स का थोड़ा सा ऐसे उन्होंने वो करके रखा था कि अगर तुम कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाओगी तो ये सब बंद होगा। तो बंद ना होने की वजह से मैं अच्छा स्टडी किया करती थी। एनीवे, सो ये डांस का वो थोड़ा सा मुझे मिला, अंग मेरे में आ गया, थोड़ा सा वो ग्रेस आ गई। और इसी डांस की वजह से मुझे मेरा नाटक पहला वो करने मिला, जो चिल्ड्रंस प्ले था। और चिल्ड्रंस प्ले में मुझे 3 डांसेस थे, 3 एक्ट्स उस ज़माने में, यानी मैं 60s की बात कर रही हूँ, 60s में 3-3 एक्ट्स हुआ करते थे। तो मुझे 3 एक्ट में 3 डांसेस थे और थोड़े से डायलॉग्स थे, एक कैरेक्टर भी थी। तो वो ऐसा नाटक नहीं था कि एक शो हुआ और बंद हो गया, यानी एक बार नाटक किया और तो बंद हो गया। वो उसके शोज भी हो गए, और हमारे पूना में ही एक संस्था है भरतनाट्य मंदिर करके, तो उन्होंने वो प्रोड्यूस किया था और उसमें मैंने काम किया था। तो उसके काफ़ी सारे शोज हुए, और जब शोज होते थे तो धीरे धीरे वो ऑडियंस की आदत पड़ने लगी, धीरे धीरे स्टेज की आदत पड़ने लगी, तो थोड़ा सा डांस मेरा पीछे रह गया। अभी उसके बाद हुआ ये कि जब 11th स्टैंडर्ड में मैं आ गई, तो ये सब मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ा और थोड़ा सा स्टडीज़ पे ध्यान देना पड़ा, तो तब मैंने डांस छोड़ दिया था। तो
तो मेरा डांस थोड़ा सा कम हो गया और मैं इसकी ओर थिएटर की ओर ज़्यादा बढ़ने लगी और मुझे अच्छा लगने लगा था जो मैं कर रही थी और इसलिए मुझे ऐसे लगता है अभी कि ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में तो वो ईयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमें उसका उसकी पैशन जगाने के लिए, ऐसे मुझे लगता है। और अगर बचपन में ही हम इंट्रोड्यूस करें बच्चों को आर्ट्स के बारे में, सजग करें, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि मुझे याद है स्कूल में हमारी जो कक्षा थी, मैं सेवेंथ स्टैंडर्ड में सेवेंथ सी में थी, तो हमारा क्लास था वो ज़रा स्पेशल था। स्पेशल इसलिए कि कमाकेन मैडम, ओके, मुझे लगा फिर से सब बताने की तो सलाह दे रहे हैं मुझे। एनीवे, सो हमारी क्लास जो थी उसको ना उन्होंने एक स्पेशल क्लास करके थोड़ा सा ट्रीट किया था और हम या तो ड्राइंग या तो सिंगिंग या तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, ऐसे एक सब्जेक्ट हमको कोई लेना था। मैं सिंगिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ नहीं है मेरी और बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन भी नहीं था, तो मैंने ड्राइंग लिया था। लेकिन उस ज़माने में जो हमको सिखाया गया, पढ़ाया गया, वो आज तक मैं भूली नहीं हूँ। तो ये संस्कार होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हमेशा, मुझे लगता है कि स्कूल में एक हद दूसरा नहीं, जो स्कूल में जिस तरह से इतिहास, भूगोल या साइंस इनकी तरफ ध्यान देते हैं, उसी तरह आर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। अभी अभी के ज़माने में मुझे मालूम नहीं, अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, स्कूल से इतना वास्ता मेरा रहा नहीं है अभी, लेकिन हमारे ज़माने में हफ्ते में एक बार सोशल का पीरियड होता था। और सोशल का पीरियड यानी आप जो कुछ चाहे वो करो, तो हम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते थे। हम कभी, हमारे क्लास में गाने वाली थी लड़की, अभी पद्मा तळवलकर जो है बहुत बड़ी सिंगर बनी है, वो मेरी क्लासमेट थी, पद्मा जुगलेकर नाम था उसका तब। एनीवे, तो वो गाया करती थी कुछ, वो हमको सिखाती थी कभी कभी, एक आध गाना हमको सिखाती थी, मैं डांस किया करती थी कभी कभी। हम किताब में से ऐसे प्रवेश आते हैं, नाटक के प्रवेश होते हैं जो किताब में होते हैं, वो हम पढ़ते थे। तो इस तरीके से हमारा नर्चरिंग हुआ है। तो मुझे लगता है स्कूल में जिस तरह से इम्पोर्टेंस दिया जाता है बाकी सारे सब्जेक्ट्स को, उसी तरह आर्ट के सब्जेक्ट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस और उतने ही मार्क्स होने चाहिए। क्योंकि हम मार्क्स के पीछे इतने भागते हैं कि नहीं, अभी अभी तो खैर हमारे ज़माने में 60 प्लस हुआ तो भी बहुत ज़्यादा था, फर्स्ट क्लास मिलना यानी बहुत बड़ी बात थी, आजकल 60 इज़ नथिंग। लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंस मिल रहा है मार्क्स के बारे में, वो कला के क्षेत्र में भी मिलना चाहिए, कला के सब्जेक्ट को भी मिलना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये बात कर रही हूँ। खैर, बचपन तो इस तरह से, बचपन में ही थोड़ा सा मुझे छोटे छोटे लेसन्स मिलने लगे। मेरे पिताजी खुद एक्टर थे, डायरेक्टर थे, लेकिन उन्होंने सब शौकिया तौर पे सब किया, वो प्रोफेशनली कभी उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन मेरा पहला बड़ा वाला नाटक जो था वो मैंने उनके साथ किया। तो उसमें मुझे याद है जब मैं, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं है, नाटक ये मनोरंजन से भी परे है, और नाटक करते वक्त क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ से मेरी थोड़ी सी शिक्षा वो स्टार्ट हुई थी। हुआ यूँ था कि
मैं जो नाटक कर रही थी, सुंदर मिहुणा नाम था उसका, तो उसमें वो लड़की अपने फादर को बहुत वो करके भला बुरा कह के वो घर से निकल जाती है, एंड दैट वाज माय एग्जिट फ्रॉम द प्ले. और मैं वो बहुत ही इमोशनली मैं करती थी, और इमोशंस वही इमोशंस लेके मैं भागती थी, रोते रोते एग्जिट कर देती थी. तो ऐसे हुआ कि एग्जिट के बाद भी मैं रोती रही, विंग में जाके मैं रोती रही, और मुझे ऐसे लगा अरे वाह मैं कितनी कैरेक्टर के अंदर घुस गई हूँ कि मैं अंदर जाके भी मैं रो रही हूँ. तो मेरे पिताजी ने मुझे पास ले लिया, थोड़ा सा वो किया, और बाद में मुझे बताया कि रोहिणी जब तुम विंग्स में आती हो, अपनी कैरेक्टर स्टेज पे रख के आओ, विंग्स में आने के बाद आप खुद बन जाओ. तो वो इमोशंस है, वो वही है, वो इमोशंस अपने साथ घर पे मत ले आना. ये मेरा पहला उन्होंने थोड़ा सा किया था. खैर तो उसका मुझे यूज हुआ बहुत बाद में, क्योंकि जब ये प्रोफेशन ही ले लिया था, तब तो शौकिया तौर पर काम करती थी, लेकिन ये प्रोफेशन ही जब मैंने ले लिया तो वो मेरी कैरेक्टर्स मैं घर पे कभी नहीं लाती थी. हम जयदेव जी और मैं, हम दोनों, जयदेव जी वॉज माई डायरेक्टर, हमने प्लेस भी बहुत साथ किए हैं, लेकिन हमने घर पे कभी भी प्ले की रिहर्सल्स नहीं किए हैं. प्ले की रिहर्सल्स रिहर्सल प्लेस पे ही जाके की है. हाँ, हालांकि दोनों थिएटर से थे, दोनों इसी फील्ड से थे, तो हम डिस्कशंस तो हुआ करते थे, और डिस्कशंस होना बहुत ज़रूरी होता था. तो ये मैंने उसी वक्त, यानी पहला लेसन मेरा, मेरे फादर ने जो दे दिया वो ये दे दिया कि नहीं लाना चाहिए. एनीवे, सो उसके बाद मैं ग्रेजुएट वगैरह हो गई, और ग्रेजुएशन के बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिल हुई. अब कैसे दाखिल हुई, क्या हुई, वो अनदर स्टोरी, लेकिन वो स्कॉलरशिप पे मैं आ पहुंची नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में. अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अलकाजी साहब ने हमारे सामने पूरी दुनिया ओपन कर दी थी. ऐसे हुआ था, वहाँ पे जाके वर्ल्ड थिएटर के बारे में, अपने आजू बाजू के थिएटर के बारे में ये सब मैं देख रही थी, मैं पढ़ रही थी, पूरा थिएटर पढ़ रही थी, आजू बाजू में देख रही थी. हमारा स्कूल जो था वो रविंद्र भवन में ही एक विंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दी थी. तो वो हमारा मेघदूत थिएटर, फिर हम उस पर काम करना, ओपन एयर थिएटर में काम करना, फिर अलग अलग जो प्रोग्राम्स आते थे, संगीत नाटक एकेडमी के अवार्ड सेरेमनी होते थे, उसमें इतने सारे प्रोग्राम्स आते थे, बहुत सारा देखने मिला, बहुत सारा सुनने मिला, बहुत सारा, यानी एक बार मुझे याद है हम अलकाजी साहब ने ये कहा था कि मैं नेशनल एग्जीबिशन लगी है पेंटिंग्स की, तो मैं आपको उसकी सैर करवाऊंगा. तो स्कूल में उस वक्त मेरे ख्याल में 45-50 स्टूडेंट्स थे तीनों बरस मिलके, मैं 71 से 74 की बात कर रही हूँ. तो हम चले गए, कुछ 15-16 ही लोग थे, लेकिन हम चले गए. तो अलकाजी साहब ने हमको पूरा वो एग्जीबिशन घुमाया, और एक एक पेंटिंग हमको एनालाइज करके उन्होंने बताया कि कैसे पेंटिंग देखना चाहिए, उसमें क्या खासियत है, उसमें कैसे कलर्स हैं, कलर स्कीम कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, किस तरह के पेंटिंग्स होते हैं, सरियलिस्टिक रियलिस्टिक, ये वो बहुत सारा ज्ञान तब मिला. और वो ज्ञान अभी हम अगर सोचते कि वो एक्टिंग के बारे में हमको क्यों नहीं बता रहे हैं, एक्टिंग में इसकी क्या ज़रूरत है, तो नहीं, एक्टिंग में सबकी ज़रूरत होती है, क्योंकि थिएटर ये अमालगमेशन वाली आर्ट है, वो सारे आर्ट्स को लेके साथ चलती है, वो एक ही, इसीलिए
जब हम कहते हैं कि एक दर्शक और एक एक्टर हो तो खैर आप नाटक कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो दूसरी कलाएं हैं जैसे सिंगिंग है, डांस है, म्यूजिक है, कॉस्ट्यूम्स हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। लाइटिंग कैसे लेना है वो भी पता होना चाहिए। तो इसलिए जो हमारा अभ्यासक्रम था तो वो लिटरेचर से लेके एक्टिंग तक ये सब था। लिटरेचर भी था उसमें, स्टेज टेक्निक्स भी थे, यानी फर्स्ट ईयर में हमने कारपेंट्री भी की है, रंधा भी मारा है, घोड़े पे चढ़ के लाइट्स भी एडजस्ट किए हैं। तो ये ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रेनिंग, और इस पे मैं ज़्यादा वो दूंगी कि थोड़ा सा ये हुआ था जब हम वापस नेशनल क्लब ड्रामा से वापस बम्बई हम आ गए, महाराष्ट्र में आ गए, तो थोड़ा सा ये सुर था कि हाँ आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, सो व्हाट, तो क्या आए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कंपनी थिएटर्स उससे पहले, जैसे बालगंधर्व कंपनी थिएटर के बारे में मशहूर है कि एक एक आदमी एकदम बचपन में कंपनी में चला जाता है, वो पहले खाने के वक्त पानी परोसता है, धीरे 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 उसको एक एंट्री मिलती है, भाला पकड़ के खड़े रहना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको एक लाइन का कैरेक्टर मिलता है और बाद में आपको बड़े बड़े कैरेक्टर्स मिलने लगते हैं। तो एक हद तक वो ट्रेनिंग ही उसकी चल रही है इतने साल, और हमने 3 साल में ये सारी ट्रेनिंग हासिल की है। खैर, तो ये ट्रेनिंग यानी आप में सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं है, इट्स नॉट इनफ, वो चिजल भी होना चाहिए, वो चैनलाइज होना चाहिए, और ट्रेनिंग जो है वो चैनलाइज करता है। इसलिए अभी तो खैर यूनिवर्सिटीज़ में ड्रामा डिपार्टमेंट्स खुल रहे हैं, हमारे ज़माने में तो बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन अभी खुल रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन वो और भी ज़्यादा खुलने चाहिए, और एक कला को एक दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि कला ये हम हमेशा कहते हैं कि कल या परसों ही किसी ने कहा था कि आप एक्टिंग करते हो तो, लेकिन क्या करते हो, यानी एक्टिंग पे आदमी जी सकता है, एक्टिंग ये हो सकती है, ये बहुत सारे लोगों को मंजूर ही नहीं होता है। सो मुझे लगता है कि ये इसको एक दर्जा प्राप्त होना जरूरी है, और वो सरकार में दर्जा प्राप्त होना जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है ये ट्रेनिंग होना जरूरी है। जैसे मैं और भी मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वापस आ गए तो एक पॉइंट पे जयदेव जी ने थिएटर वर्कशॉप्स लेना शुरू कर दिया था। अब ये थिएटर वर्कशॉप्स क्या होते थे, थिएटर वर्कशॉप्स 16 दिन के होते थे, दो दो तीन तीन घंटा होता था 16 दिन, और सैटरडे संडे थिएटर वर्कशॉप्स हुआ करते थे। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ने यंग ओल्ड सब आते थे, सारे स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन जयदेव जी ने थोड़ा सा वो किया था कि 18 साल के बाद ही मैं ले लूँगा, क्योंकि वो जो बातें करते थे वो थोड़ी सी उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान होना ज़रूरी है, ऐसा सोचते हैं, थोड़ी सी एक एडल्ट होना बहुत ज़रूरी था। तो वैसे, और उसमें स्टूडेंट्स जो आते थे वो बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे भी स्टूडेंट्स थे। कुछ लोग आते थे देखते हैं क्या थिएटर यानी क्या है, देखते हैं थिएटर के बारे में क्या वो होता है, और हमारा वो एम तो ये था कि एक्टर्स ट्रेन करने का एम नहीं था, जयदेव जी का एम था वो अच्छे दर्शक बने। यानी अगर 30-40 स्टूडेंट्स अगर उस वर्कशॉप में हैं, क्योंकि हमारा हॉल भी बहुत बड़ा था जो अकोमोडेट कर सकता था आविष्कार
सुलभा देश पांडे, अरविंद देश पांडे की जो संस्था उनकी थी, उनके साथ हम बाद में जुड़ गए, तो उनका जो हॉल था वो बहुत बड़ा था। तो 30-40 स्टूडेंट्स में से हमको एक या दो एंथुजियास्ट मिले तो बहुत है, ऐसा थोड़ा सा वो था। कुछ लोग बाद में आके कहते थे कि कुछ समझो कोई टीचर है तो बाद में आके कहते थे सर हमको थिएटर के बारे में तो पता चला, वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं लेक्चर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, ऐसा भी, या मैं बॉस से अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है ये ट्रेनिंग से एक कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, लेकिन एक पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। और कला का वो काम है कि पर्सनालिटी डेवलप हो, आपकी संस्कृति डेवलप हो और एक आप में कल्चर आ जाए, तो इसलिए ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। और उसी लिए आपको डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, छोटे छोटे वर्कशॉप्स अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। लेकिन कुछ वर्कशॉप्स मैंने ऐसे देखे हैं कि आपको टीवी सीरियल में काम मिलेगा, आपको यहाँ काम मिलेगा, वहाँ काम मिलेगा। मैं उन वर्कशॉप से थोड़ा सा दूर रहने के लिए कहूँगी, अगर आप थिएटर करना चाहते हो और सीरियस थिएटर करना चाहते हो, ये स्टेपिंग स्टोन नहीं होना चाहिए फिल्मों में जाने के लिए या टेलीविजन जाने के लिए। हाँ, टेलीविजन और मैंने तो टेलीविजन और फिल्में दोनों की है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो पैशन, वो थिएटर का पैशन बरकरार रखा अलग अलग थिएटर्स में काम करके। मैंने मराठी में किया है, हिंदी में किया है, मैंने गुजराती में भी प्लेस किए हैं। तो जब मैं मराठी में नहीं थी तो गुजराती प्लेस कर रही थी, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा था। गुजराती सीखी मैंने, अभी भी अच्छा गुजराती बोल लेती हूँ, लेकिन वो जो नुआंसेस होते हैं वो मुझसे मिस कर जाते हैं, आई मीन अंडरस्टैंड करने में, बोलने में तो बोल जाती हूँ। खैर, तो ये बहुत बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है ये ट्रेनिंग, इसलिए ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। आ गए और आप एक एंट्री कर ली और बस हम हो गए एक्टर्स, ऐसे एक्टर्स हमको नहीं चाहिए। उसके बाद भी एक उसके बाद भी जब, यानी काफ़ी ऐसे सारे लोग मुझे टेलीविज़न में भी मिलते हैं कि एक आध रोल से बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि हम बस एक्टर बन गए, और वो कहीं वर्कशॉप में लेक्चर भी देने के लिए जाते हैं। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं, लेकिन वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है। खैर, ये तो और एक बात रही। दूसरा, एक जो बात मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे थिएटर ने क्या दिया या थिएटर को मैं क्या दे पाती हूँ, तो मुझे लगता है एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन बीइंग की, क्योंकि हमको एक्टर के तौर पे मैं बोल रही हूँ अभी, कि एक्टर्स किसी और कैरेक्टर को करते हैं और तब अपना ओपिनियन है, जो भी आप सोचते हो वो अपनी सोच बाजू में रख के उस कैरेक्टर के जरिए हम सोचते हैं, वो कैरेक्टर क्या सोचेगा वो सोचते हैं। सो वो कैरेक्टर हम नहीं होते हैं, और उसकी वजह से मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एज होल तो वो ज़्यादा मेरी बढ़ गई है। मैं बहुत ज़्यादा किसी से नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा यही सोचती हूँ कि ये उसने ऐसे क्यों किया होगा, जो हम कैरेक्टर के लिए पूछते हैं कि इस कैरेक्टर ने ये क्यों किया है, इस कैरेक्टर ने ये क्यों किया है, इसकी बैकग्राउंड क्या होगी, हम बैकग्राउंड के बारे में भी सोचते हैं। तो दैट अंडरस्टैंडिंग मुझे थिएटर देता है और कैरेक्टर देती है। अब मैं तो ये सोचती हूँ एक बार थिएटर कर लिया तो ये बहुत आसान है मीडियम्स चेंज करना, एक मीडियम में दूसरे मीडियम में जाने का जो
प्रॉब्लम होता है वो थिएटर करने वालों को बहुत आसान होता है, क्योंकि वो सिर्फ मीडियम ही अलग है लेकिन तैयारी तो हम थिएटर में जैसा करते हैं वैसी ही होती है। दूसरी बात यह है कि थिएटर में जब हम काम करते हैं तो ऑल द टाइम वी आर देयर, और वहाँ पे आप लोगों की नज़र के सामने जब हो तो आपको कैरेक्टर छोड़ ही नहीं सकते हो, तो इसलिए वो भी सोचना पड़ता है हमको कि ये यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या करूँगी। अब फिल्म मीडियम में जब किसी का क्लोजअप हो रहा हो तो हम तो दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि उस मीडियम का अगर आपने भान रखा तो बहुत आसान होता है। इसलिए थिएटर वालों को किसी भी मीडियम में आप डाल दो वो यूं उसमें समा जाते हैं। खैर ये अलग बात है जो मैं बताना चाहती थी। अब मुझे लगता है आधा 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 घंटा तो हो गया है, जब अब मुझे ऐसे लेक्चर देने की तो बहुत आदत नहीं है कि कहीं भी पढ़ाया भी नहीं है मैंने, कहीं पे वर्कशॉप्स खैर ले लिए हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर सवाल करें तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि एक तो ये एक्टर होने के बावजूद ये जो सामने कोई नहीं दिख रहा है फिर भी मैं बात कर रही हूँ, ये थोड़ा सा अंदर लेने में मुझे डिफ़िकल्टी होती है। तो ये विशाल रायना जी पूछ रहे हैं, जब एक एक्टर स्टेज पर होता है बट फीलिंग कुछ और ही होती है। हाँ, फीलिंग्स कुछ और होती है। एक एक्टर जब स्टेज पे होता है तो मुझे लगता है कि एक्टर ने जब हम एलिनेशन जिसे बोलते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को दूर रख के भी आपको देखना पड़ता है खुद को। कल परसों ही किसी ने मेरे ख्याल में बात की थी कि हमको जब लगता है कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अंदर घुस के काम किया है, तो ऑडियंस को लगता है ये ठीक नहीं हुआ था, कल का काम आपका ठीक था। ऐसे कभी कभी होता है, जो आपको अच्छा लगता है ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता है कभी कभी। तो मैं सोचती हूँ कि अंदर फीलिंग्स अलग हो सकती है। मुझे कॉमेडी करनी है स्टेज पे और घर पे किसी की डेथ हुई है, या वो डेथ हुई है वो मेरे दिमाग में है और मुझे ये स्टेज पे कुछ और ही करना है, तो इसके लिए हमने बहुत रिहर्सल्स की होती हैं। इसलिए मुझे लगता है जब अपने आप को एलिनिएट करना ज़रूरी है कि उस फीलिंग्स से दूर रहना, ये ट्रेनिंग की ही बात है। और दूसरी एक बात और भी होती है कि ऑडियंस आपको किस तरीके से ले रही है, ऑडियंस आपकी बात समझ रही है या नहीं, ये भी आपको आपके दिमाग में हजार चीज़ें चल रही होती है जब आप स्टेज पे होते हो। एक एयर कंडीशन ठीक नहीं चल रहा है तो आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, कोई एक्टर लाइन भूल गया आपको उसमें एडजस्ट करके लेना पड़ता है, ऑडियंस में कहीं ज़्यादा खांसी और मरमर है, खांसी बहुत खास रहे हैं लोग, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ऑडियंस का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है, ये इंटरेस्ट मैं कैसे बढ़ाऊँ। ये सारी बातें जो है ना वो अलग हर दिन जब आप स्टेज पे काम करते हो, अभी आपके सीजन होते हैं तो थिएटर तो एक ही होता है, लेकिन सामने वाले ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज अलग हो सकती हैं, उन सेंसिबिलिटीज के साथ आपको काम करना है। हमारे यहाँ तो गणेशोत्सव में भी काम करते हैं जहाँ पे आधा ऑडियंस बच्चों का होता है और उनके सामने हमको कभी कभी काम करना पड़ता है, तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को पुकार रहे हैं और उसमें हम हमारा नाटक जारी रख रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसलिए वो ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। ऐसे मुझे लगता है। मैडम, हाउ न्यू कमर्स हु वांट टू जॉइन थिएटर, ओके, और ऊपर वाला क्या है?
मैम अकॉर्डिंग टू यू इज प्रिपरेशन फॉर अ रोल ऑफ एन एक्टर इज डिफरेंट इन थिएटर सिनेमा एंड टीवी, हाउ इट इज डिफरेंट? मैंने अभी अभी वही कहा कि प्रिपरेशन ऑफ कैरेक्टर इज द सेम, वही होता है, सेम होता है, सिर्फ मीडियम अलग अलग होता है. मीडियम इसलिए अलग अलग होता है कि आपके पास अगर पूरी स्क्रिप्ट है सिनेमा की, लेकिन सिनेमा में आपका आपके अगर 60 सीन्स हैं तो 54th सीन विल बी आपका पहला सीन शूटिंग वाइज. शूटिंग आपकी 54 सीन के पहले हो रही है और पहले सीन की आपकी लास्ट में हो रही है, तो आपको वो कैरेक्टर पता होना जरूरी है बहुत शुरू से. दूसरा ये है कि जब टीवी करते हैं तो टीवी में आपकी कैरेक्टर आपको तो पता होती है, लेकिन सीन जो होता है वो आपके आपके सामने जब आप सेट पे जाओ उसके बाद अरे बाबा मेरा सीन क्या है दे दो ऐसे करके जब हम पूछते हैं तो हमारे हाथ में सीन आता है. तो इट इज इंस्टेंटेनियस कि आपको वो सीन पढ़ के, हाँ सीन में ये है ये है ये है ये है, आपको कैरेक्टर पता होना बहुत जरूरी है, सिर्फ सीन समझ के कोई फायदा नहीं है. तो उस कैरेक्टर के साथ वो सीन जाता है या नहीं वो एट दैट इंस्टेंट आपको वो करना पड़ता है. तो इसलिए मीडियम अलग है, लेकिन कैरेक्टर का प्रिपरेशन, कैरेक्टर की समझ सब एक जैसा ही है, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो टीवी हो और थिएटर हो. मैम हाउ वॉज दी एक्सपीरियंस व्हेन यू गेट द रोल ऑफ कस्तूरबा? क्यों अभी ये पूछ रहे हैं? बिकॉज अदर एक्टर्स वर ऑलरेडी देयर एंड यू गॉट सिलेक्टेड फॉर ब्यूटीफुल कैरेक्टर. अभी हम थिएटर की बात कर रहे हैं, यहाँ कहाँ फिल्म की. एनीवे मुझे स्क्रीन टेस्ट करनी पड़ी थी स्क्रीन टेस्ट के लिए, लेकिन वहाँ पे मेरा थिएटर मुझे क्या कहते हैं उसने मुझे साथ दे दिया, क्योंकि जब स्क्रीन टेस्ट के लिए हम गए थे हमको एक सीन दिया गया था और उसके लिए पूरी की पूरी, और वो सीन जो था वो मुझे इंग्लैंड जाके करना था. इंग्लैंड में शेपर्टन स्टूडियो में हमारी स्क्रीन टेस्ट होने वाली थी और पूरी तैयारी के साथ गई थी, और इसलिए मैं कह रही हूँ थिएटर मुझे काम आया था कि कस्तूरबा के लिए मंगलसूत्र चाहिए था, ब्लाउज चाहिए था, साड़ी चाहिए थी, मेरे बाल कैसे हों वो मुझे पता होना चाहिए था, यहाँ तक कि मेरी बिंदी भी मैं साथ में लेके गई. और टू बी ऑथेंटिक मैं वो ड्राई कुमकुम होता है वो भी साथ में लेके गई थी. तो जो मैं उस वक्त प्ले कर रही थी, एक रथ चक्र नाम का प्ले कर रही थी जिसमें मैं 80 साल की बुढ़िया का रोल कर रही थी और डबल रोल कर रही थी, एक 80 साल की बुढ़िया और एक 45 ईयर्स ओल्ड इनकीपर, ऐसी दो कैरेक्टर्स मैं कर रही थी. तो वो बंद गले का थोड़ा सा वो ब्लाउज था वो मैं लेके गई, खादी की साड़ी मेरे पास नहीं थी, वो खादी भंडार से खादी की प्लेन साड़ी लेके वो लेके चली गई थी, यानी आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड. तो वहाँ कहाँ शेपर्टन स्टूडियो में मैं बिंदी कहाँ ढूंढने जाऊँगी, तो वो साथ में होना ज़रूरी था. खैर, और जब उसके बाद जब मेरी इंट्रोडक्शन मैंने ये अपना स्क्रीन टेस्ट की बेन के साथ ही, और जब मैं बेन के रूम में चली गई, सर रिचर्ड ने मुझे वहाँ ले चले गए और उन्होंने कहा बेन दिस इज रोहिणी, रोहिणी दिस इज बेन, ही इज डूइंग गांधी, ही इज शी इज डूइंग कस्तूरबा, सो आई विल गो एंड सी ऑन द सेट. और वो चले गए और मैं वहाँ पे थी और मैं सोच रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमें तो आदत है कि सीन से पहले एक बार पढ़ ले, चलो हम एक बार पढ़ लेते हैं सीन, ऐसा कह के हम पढ़ लेते हैं सीन. अभी वहाँ पे क्या वो है मुझे मालूम नहीं, उसने उसने भी फिल्म में कभी काम नहीं किया था, इट वाज हिज फर्स्ट फिल्म, लेकिन वो रॉयल शेक्सपियर थिएटर कंपनी में काम करता था. तो मैंने
पूछना ही चाहा था तो उसी ने मुझे पूछा, बेन ने ही पूछा कि रोहिणी शुड वी डू अलायंस फर्स्ट। तो दो थिएटर वाले मिल गए थे और हमने लाइंस की, फिर सेट पे गए और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। सो वहाँ पे हमारी वो जो सीन था, वो क्लीनिंग द लैट्रीन, जो संडास साफ करने के लिए ना बोलती है, वो वाला सीन हमको दिया गया था और वो बाकायदा फिल्माया गया। तीसरे दिन वो देखा भी हमने और मैं वापस आ गई। और उसके बाद एक महीने के बाद मुझे पता चला कि मैं काम करने वाली हूँ। मैम कैन यू प्लीज टेक माय चैलेंज? ओके, चैलेंज इज दैट यू हैव टू डू 9 मूड्स ऑफ एक्टिंग इन वन सेंटेंस और फ्रेज। अच्छा हाँ, मुझे लगा एक सेंटेंस फॉर्म करो। आई एम सुमन, 15 ईयर्स ओल्ड थिएटर आर्टिस्ट। ओके, आई लव यू। और ये ओ गॉड ये पिन किया है क्या? ओ गॉड, पिन किया है। वेल एक मिनट, हाँ ओके, बाकी मैं थोड़े से देख लूँ और मैं करती हूँ। मैं मीनू जी करती हूँ, एक मिनट, दैट इज अ चैलेंज फॉर मी। मैम आदाब, आई एम फ्रॉम कश्मीर, सिंस फेसिंग अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी बट आवर यंगस्टर्स। अरे how can we create item through virtual medium? वो virtual medium पे आने वाली हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ सारा शुरू, अरे आप तो इंटरव्यू ही ले रहे हैं, थिएटर के बारे में बात करिए ना। एनीवे, 9 मूड्स, ओके, आई लाइक थिएटर मोस्ट। आई लव यू, आई लव यू, ऐसा ये सेंटेंस जो है वो उसमें नौ 9 डिफरेंट मूड्स, 9 रस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। क्योंकि आई लव यू में एक जो हैप्पीनेस है वो सब रस में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। अभी नवरस मुझे याद भी आनी चाहिए। एक तो श्रृंगार तो आई लव यू का, आई लव यू, ये एक श्रृंगार। आई लव यू और तुम समझ नहीं रहे हो, ये I love you बोलने के लिए बोल रही हूं मैं, but I love you, मुझे छोड़ के मत जाओ। खैर मुझे लगता है ये बहुत काफी है, मैं बाकी सवाल ले लेती हूँ, मुझे ये हंसी आ रही है, लेकिन this is interesting। और मैंने आगे वाले सेंटेंस इसलिए मैंने कहे कि मैं स्पीच के लिए या हम जो वर्कशॉप लेते हैं उनमें ये थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करते हैं कि एक ही, आपने आई लव यू बोला है लेकिन एक ही वर्ड हम लेते हैं और वो अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश करवाते हैं स्टूडेंट्स से। और उसमें उससे पहले या बाद में जो हम कहेंगे वो मन में कहने के लिए बोलते हैं। इसलिए जो मैं बात कर रही हूँ वो एक स्ट्रेस करने वाली बात है कि जैसे आई लव यू ही, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तीन अलग अलग ये मीनिंग्स आ गए हैं।
उस तरह से अलग अलग, इसलिए मैंने आई लव यू के बाद या पहले जो भी बोला है वो उससे कनेक्टेड रहने के लिए बोला है। एनीवे थैंक यू थैंक यू। अभी और कुछ मैम, एनी रोल यू रिलेट द मोस्ट? रिलेट करने की बात जो है वो मेरे ख्याल में हर रोल के साथ मैं रिलेट कर पाती हूँ। जो मैंने पहले बात कही, जो अंडरस्टैंडिंग की बात कही, इसलिए अब बिल्कुल ही जो रोल मुझे देता है, मैं रोल को कुछ देती हूँ, तो मुझे लगता है वो एक रिलेशन ही है। कुछ कैरेक्टर्स की बात मुझे अच्छी नहीं लगती, फिर भी मुझे वो करनी पड़ती है, तब आई एम नॉट अग्रीइंग विद दैट, बट स्टिल आई हैव टू कन्विंसिंगली डू दैट सो दैट पीपल गेट कन्विंस्ड। ये भी उसमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या बात मुझे अच्छी नहीं लगी वो अगर मुझे पता चली तो फिर मैं वो बात अच्छी तरह से लोगों को बता सकूंगी। इसलिए हर कैरेक्टर के साथ मैं रिलेट कर पाऊंगी, लेकिन ज़्यादा अच्छी लगी तो इसलिए सारी कैरेक्टर्स ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। माय फेवरेट रोल, इसीलिए वही तो मैं वहीं पे आ रही थी कि मेरा फेवरेट रोल, तो सब मेरे फेवरेट रोल्स हैं। मैम प्लीज़ टॉक अबाउट चिल्ड्रंस थिएटर एजुकेशन। हाँ, चिल्ड्रंस थिएटर एजुकेशन मुझे लगता है अभी बहुत ज़्यादा तो अभ्यास इस पे नहीं किया है मैंने, लेकिन मैं जो समझती हूँ वो बच्चों को जो बड़े बड़े अपने नाटक है उसमें से कुछ पैसेजेस बोलने के लिए कहते हैं, या वो पैसेजेस तैयार करवाते हैं और कहते हैं कि देखो कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा है। आई डोंट थिंक दैट इज रियल चिल्ड्रंस एजुकेशन इन थिएटर। चिल्ड्रंस एजुकेशन इन थिएटर हैज टू बी देयर ओन थिंग। उनको इम्प्रोवाइजेशंस दे दीजिए, उनकी कल्पना जागे। जो मैं समझती हूँ बच्चे ज़्यादा कल्पक होते हैं, क्योंकि मुझे याद है मेरा बेटा कुछ 4 साल का था और एक हमारे मित्र हैं उनकी दाढ़ी थी, और एक बार मेरे बेटे ने उनको कहा था, अंकल आपकी दाढ़ी ग्रीन है, तो मैंने कहा है दाढ़ी ग्रीन कैसे हो सकती है, दाढ़ी ब्लैक होती है। तो वो हालांकि ही इज अ ग्रेट स्टेज डिज़ाइनर एंड पेंटर, तो उसने कहा नहीं रोहिणी रहने दो ना, उसको अगर ग्रीन दाढ़ी लगती है तो तुम्हें क्या है, लगने दो उसको ग्रीन दाढ़ी। यू नो, इमेजिनेशन, जो हम अपनी इमेजिनेशन या अपना ओपिनियन उन पे थोपते हैं ना, वो थोपना नहीं चाहिए। उनको अपना कुछ अपनी कुछ बात बताने के लिए, अपना कुछ करने के लिए कि मुभा हम देनी चाहिए, उनको परमिशन देनी चाहिए, और उस पे आपने कमेंट भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन है। लेट देम इमेजिन, लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट, और तभी तो उनका कॉन्फिडेंस बनेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, हो सकता है बाद में उन्हीं को पता चलेगा कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा, लेकिन वो उनको पता चलना चाहिए। मैं सोचती हूँ इस हिसाब से, उस तरीके से बच्चों की थिएटर की ट्रेनिंग या ये कला की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं थिएटर की ही नहीं बोलूँगी, कला की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर वो पेंटिंग में सूरज को नीला बताना चाहते हैं तो बताने दो, वो कुछ डांस किसी और तरीके से करना चाहते हैं करने दो, उनको जो चाहिए वो करने देना चाहिए। अपनी अपना कुछ हमने उन पे नहीं थोपना चाहिए। मुझे लगता है बच्चों के साथ ऐसे ही ऐसा व्यवहार किया जाए, माता पिता के
माता पिता से या टीचर्स से, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उनमें चेंज मिलेगा, एक डेवलपमेंट मिलेगी आपको। रंगमंच के लिए माता पिता लड़कियों को ज्यादा क्या ज्यादा थर के आगे नहीं भेजते हैं, जबकि वो करना चाहती है थिएटर। ओके। माता पिता को थोड़ा सा डर तो होता ही है, जो मेरे भी माता पिता को डर था। जब उन्होंने मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भेजा, दिल्ली में हमारा कोई नहीं था, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले मैं जाऊँ, थिएटर में जाने से पहले, जब मैं डॉक्टर होना चाहती थी, मैंने साइंस भी लिया था उसी की वजह से, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी ये ग्रुप था वो लिया था, लेकिन मैं थोड़े से मार्क्स कम पड़ गए और मुझे बीजे मेडिकल कॉलेज में पुणे के एडमिशन नहीं मिली। और उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे जाने नहीं दिया था बाहर गांव डॉक्टरी पढ़ने के लिए, और मैं बीएससी कर गई और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। खैर तब तक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा था फादर का, शायद उन्होंने भेजा मुझे, लेकिन ये थोड़ा सा होता है। कभी तो अपने पेरेंट्स को आपको विश्वास दिलाना ज़रूरी होता है कि ये एक तो वहाँ से, और दूसरा अपने रिलेटिव्स से बहुत बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉरी टू से बट कभी कभी वो जो पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है ना कि अरे ये कहाँ भेज रही है, अरे यानी माता पिता चाहते हों तो भी बाकी लोगों की वजह से आपको परमिशंस नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस दिलाना आपको बहुत ज़रूरी है कि नहीं थिएटर अच्छा है, उनको अपने दोस्तों से मिलाओ, थिएटर के दोस्तों से मिलाओ, जब उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ठीक ठाक है, अपने प्लेस के लिए बुलाओ या तो दूसरे जो प्ले कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ करके लेके जाओ, तो कॉन्फिडेंस माता पिता के अंदर जगाना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। लेकिन बहुत सारे वक्त ऐसे होता है कि मैंने मेरी भी कुछ सहेलियां देखी हैं कि शादी तक वो अच्छी कलाकारा थी, अच्छी सिंगर थी, अच्छा डांस करती थी, लेकिन शादी के बाद सब बंद हो गया और वो अभी कुछ नहीं कर रही हैं, हालांकि बहुत अच्छी सिंगर्स थी। लेकिन ये तो हमको ही अच्छे तौर तरीके से अच्छे ये हमको चेंज करना है, दिस मेंटालिटी शुड बी चेंज्ड, और इसीलिए थिएटर में पैशन से काम करने वालों की बहुत ज़रूरत है, थिएटर को एक दर्जा देने की ज़रूरत है। इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं, ये जो मेंटल ब्लॉक है थिएटर के बारे में या इस इंडस्ट्री के बारे में, ये निकलना चाहिए। और दूसरी बात, मैं शायद मेरे टॉक से के लास्ट में कहती, लेकिन लड़कियों को अपना भी कॉन्डक्ट बरकरार रखना चाहिए, दे शुड नो व्हेन टू से नो एंड दे शुड मीन टू से नो, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे इंडस्ट्री में, सॉरी टू से सिर्फ हमारी नहीं, जहाँ पर भी लड़कियाँ काम कर रही हैं उनको ये एक्सपीरियंस होगा, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उस वक्त यू शुड पुट योर फुट डाउन, यू शुड नो योर प्रायोरिटीज एंड योर डिग्निटी इज़ इन योर ओन हैंड्स, ये सोच के चलना चाहिए। और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी, अगर ये छोड़ना है तो छोड़ भी दूंगी, ये थोड़ा सा वो करना ज़रूरी है, सेट योर प्रायोरिटीज राइट। अगर ये नहीं मिला दूसरा काम आएगा, ऐसी भी क्या बात है, 4 साल और रुक जाऊंगी मैं, ये भी ये कहने का थोड़ा सा धाड़स होना चाहिए और वो डिग्निटी बनाए रखने का धाड़स होना चाहिए।
मैम, जैसा कि आपने कहा, बच्चों के फॉर्मेटिव इयर्स में उन्हें आर्ट से इंट्रोड्यूस करना चाहिए. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर्ट एंड कल्चर इम्पार्ट्स टू द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन इन देयर फॉर्मेटिव इयर्स? कॉन्फिडेंस. अभी अभी मैं वही कह रही थी कि उनकी उनकी जो मानसिक एक डेवलपमेंट, मैं कहूँगी मानसिक तौर पे डेवलपमेंट है, एक कॉन्फिडेंस की बात है. वो अगर उसको जो भी करने दिया, तो मेरे ख्याल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो पढ़ाई में भी अच्छा काम करें, यानी जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उनको स्पोर्ट्स अगर करने दिया तो वो पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे. ऐसे उदाहरण हैं लोगों के. इसलिए वो जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो करने देना चाहिए उनको. ऐसे ऐसे मुझे लगता है. वहाँ पे थोड़ा सा हमारा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो मार्क्स पे इतना बेस्ड है ना, कि इतने मार्क्स मिलने चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगी, इतने मार्क्स मिलने चाहिए तभी एडमिशन मिलेगी. ये जो अभी महाराष्ट्र में तो कम से कम ये थोड़ी सी एजुकेशन पॉलिसी वो चेंज कर रहे हैं, कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी इसके अंदर ला रहे हैं. आपको अगर गणित में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको 9वीं या 8वीं या 9वीं में आप गणित भी छोड़ सकते हो. ऐसा भी है. थोड़ा सा अभी एजुकेशन पॉलिसी अलग हो रही है, वो जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ऐसा मैं समझती हूँ. लेकिन उसमें कला का भी होना बहुत जरूरी है. अगर वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो एक उसमें ब्रांच होनी चाहिए आर्टिस्ट की, आर्टिस्ट के लिए ब्रांच होनी चाहिए. रंगमंच में एमेटर पर देखा गया है कि रंगमंच प्रोफेशनल नहीं होने के कारण एक दूसरे की तारीफ नहीं कर. ओके ओके. रंगमंच में एमेटर एमेटर रंग रंगभूमि पे, या असल में एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए. मुझे याद है जब मैं पूना में थी, जब मैंने नया नया शुरू किया था, तो पूना में एक दो तीन ग्रुप्स थे. तो एक ग्रुप का आदमी दूसरे ग्रुप में काम भी नहीं कर सकता था. ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे. थैंक गॉड, मेरे मेरे फादर ने उन दोनों ही ग्रुप में काम किया था. मैंने एक ही ग्रुप में काम किया, लेकिन वहां से हम निकले और मेरे फादर ने तीसरे ही एक ग्रुप में नाटक करना शुरू कर दिया था. तो वो थोड़ा सा बैलेंस हुआ. लेकिन बम्बई जब मैं आई, तो बम्बई में थिएटर सीन, एमेटर थिएटर, एमेटर यानी हालांकि एमेटर हो के भी प्रोफेशनल थे. मैं कमर्शियल और प्रोफेशनल ऐसा कहूंगी, अगर नाम ही दिया जाए तो. प्रोफेशनल यानी मेटिकुलसली काम करने वाले, ऐसा मैं समझती हूँ. और कमर्शियल सिर्फ पैसों पे या बॉक्स ऑफिस पे जिनका ध्यान होता है, वो कमर्शियल थिएटर हो सकता है. लेकिन यहाँ पे बम्बई में आके मैंने वो बिल्कुल अलग तरीके से देखा. यहाँ पे सब लोग सभी को एक दूसरे की हेल्प भी करते थे. एक ग्रुप का आदमी दूसरे ग्रुप में जाके लाइटिंग कर रहा है, एक यहाँ पे इसकी कमी है तो यहाँ पे भी जा रहा है. तो उसकी वजह से वो थिएटर मूवमेंट को जो बढ़ावा मिलता है, वो बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को साथ लेके हम काम कर रहे हैं. और अगर ऐसा आपके एरिया में होता हो, तो प्लीज वो थोड़ा सा बंद कर दीजिए और एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि एक दूसरे का एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकेंगे और रंगमंच के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. और ये डिस्कशंस वगैरह, हाँ, डिस्कशंस से मुझे याद है, हम जब शौकिया तौर पे जब नाटक करते थे, तो हमारा शो होने के बाद
दैट वाज एक अच्छा ही था कि मेरा घर हमारे थिएटर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था और मेरे फादर ही डायरेक्टर थे, और हम शो खत्म होने के बाद हमारे घर आके 12-15 लोग हम नाटक पे डिस्कशन किया करते थे, हमारी गलतियों पे डिस्कशन किया करते थे, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। और लिटरली हमारा नाटक अगर 12 बजे ख़त्म हो रहा है तो नियरली 2-2.5 बजे तक हम, मेरी माँ कॉफ़ी बनाया करती थी, हम कॉफ़ी पीते पीते वो सेशंस किया करते थे, एंड दो सेशंस वेर वेरी इम्पॉर्टेंट, दे प्रूव टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट इन माई थिएटर जर्नी, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी उसमें हम लोग तो होते ही थे, लेकिन हमारे जो दोस्त लोग जो देखने के लिए आते थे, वो अगर एंथुजियास्ट है तो वो भी उसमें होते थे। तो एक दूसरे को की तारीफ करना, एक दूसरे को कुछ गलतियां हैं या सुधारना, अगर सुधार आप चाहते हो तो वो भी आपको बता देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक दूसरे की हेल्प करके ही, अगर वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स अगर आपने वो की या एक दूसरे से बात भी नहीं की, तो कहाँ थिएटर आगे बढ़ेगा, मुझे तो ऐसे लगता है। सो प्लीज़ स्टॉप इट एंड प्लीज़ गेट टू नो ईच अदर, टॉक टू ईच अदर, वर्क विथ ईच अदर। Which medium you love the most? I love theater. मैम, गवर्नमेंट आर्टिस्ट को हमेशा से लाइटली लेती है, ऐसा क्यों? मैं भी ये सवाल पूछती हूँ और उसके लिए हालांकि हमारी कॉम जो है ना, आर्टिस्ट की कॉम, उन्होंने ये पैंडमिक जो लॉकडाउन है वो सहन करने की शक्ति दी है। यानी अगर पैंडमिक में, इमेजिन पैंडमिक में अगर आपके पास फोन ना होता, आपके पास नेटफ्लिक्स ना होता, आपके पास ये ना होता, तो आप क्या करते, कितना प्रॉब्लम हो जाता था। लेकिन फिर भी खैर, ये भी मुझे भी ये सवाल है और उसके लिए बहुत काम करना जरूरी है, बहुत काम करना जरूरी है। कैसे किया जाए, क्या किया जाए, मुझे मालूम नहीं। गवर्नमेंट के लोग ही, गवर्नमेंट में जो काम करते हैं वही आपको बता सकते हैं कि क्या किया जाए। बलवंत जी, बलवंत ठाकुर भी आ गए हैं, तो आपका सेशन कैसे रहा? मैंने सुना आप जूम पे थे अभी। एनीवे, तो बलवंत जी, इसके बारे में कुछ कीजिए, गवर्नमेंट के बारे में, कि थोड़ा सा आर्टिस्ट को अच्छा दर्जा दिया जाए, आर्टिस्ट को सीरियसली ले लें। मुझे लगता है अभी 5-10 हो गए हैं। आपका अब जीवन लक्ष्य क्या है? काम करते रहना भैया। मैं सोचती हूँ जब तक हाथ पांव चल रहे हैं मैं काम करती रहूँ। आई मीन नॉट दैट आई एम टू ओल्ड, वेल आई एम ओल्ड, आई एम 69 नाउ, लेकिन जब तक मैं चाहूँ तब तक मैं काम करती रहूँ। आपका अगर ये सवाल है कि मैं डायरेक्ट वगैरह करना चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ, सो डायरेक्शन इज नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसा मैंने देखा है। अगर ऐसे हुआ कि करना ही पड़ा तो करूँगी भी, लेकिन एक्टिंग ही मेरा पैशन है और एक्टिंग ही मैं करती रहूँगी। आप थिएटर को किस स्थान पे देखती हैं? क्या हुआ? हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्लेइंग लिप्स। यस। नमस्ते मैम।
मैं पटना रंगमंच से हूँ, 25 साल से ही अभिनय कर रहा हूँ, लेकिन रंगमंच प्रोफेशनल नहीं होने के कारण कभी कभी पेशेंस लूज होने लगता है। या ये बहुत ही कठिन होता है एक्चुअली। प्रोफेशनल ना होने, रंगमंच से आपको कमाई ना हो तो प्रॉब्लम ही हो जाती है, वो हर हर जगह है। महाराष्ट्र में रंगमंच इतना यानी इतनी बड़ी परंपरा है, इस पे लोग जीते हैं, लेकिन जो भी अभी ये जो माध्यम आए हैं टीवी और फिल्म्स के, तो उसमें भी लोग काम कर रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम ही है। थिएटर की वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि थिएटर में पैसा नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर लागू जैसे लोग भी फिल्मों में काम करते थे, लेकिन अपना पैशन उन्होंने थिएटर का नहीं छोड़ा। तो ये तो हर किसी को, हम भी थिएटर पे जी नहीं सकता है आदमी, अगर जीना चाहता है तो बहुत सादी जिंदगी उसके हिस्से आती है, और उसमें मेरे ख्याल में थिएटर का आदमी उसमें संतुष्ट भी रह सकता है। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो हर किसी की, हर थिएटर वाले की प्रॉब्लम है जी। ओ आई एम फाइटिंग फॉर दैट, फॉर द डिग्निटी ऑफ आर्टिस्ट, यस मैम। अपना आशीर्वाद देने हमें आएंगी, आगे बढ़ने के लिए हम आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। ये एक बार मैं घर से बाहर निकलूं पहले क्योंकि पिछले मार्च से लेके आज तक मैं घर के बाहर नहीं गई हूँ। अभी संभावना हो रही है, शायद मेरी एक मराठी सीरियल स्टार्ट हो रही है, तो शायद मैं शूटिंग के लिए निकल पाऊंगी, लेकिन जरूर आएंगे, जरूर आए, आना भी चाहती हूँ। मुझे लगता है 5:05 हो गए हैं, 5:10 हो गए, बीच में 5 मिनट हमारे ज़ाया हो गए थे, तो एक काइंडली शेयर एनी फनी मोमेंट एट स्टेज। फनी मोमेंट्स तो बिल्कुल शुरू में एक एनएसडी में एक किस्सा हुआ था, वो मुझे याद है। हमारे एक तरसीम लाल करके कारपेंटर थे, जो कभी कभी मेले में वगैरह ऐसे नाटक में काम करते थे, और काफ़ी साल से वो एनएसडी के साथ जुड़े हुए थे। तो एक दिन अकाश साहब ने चाहा कि एक शो तरसीम लाल करे, रतन सिंह तुगलक में रतन सिंह का रोल छोटा सा ही था, वो उन्होंने तरसीम लाल को करने के लिए दिया। तो हमारी रिहर्सल्स चल रही थी, और मेरे ख्याल में ग्रैंड रिहर्सल थी, और हम बड़े बड़े चाव से हैं, तरसीम लाल काम कर रहे हैं, देखते हैं तरसीम लाल को रतन सिंह के रोल में वगैरह, ऐसा करके हम ऑडियंस में बैठे हुए थे। और एक सेंटेंस था उनका कि अच्छा इजाज़त चाहता हूँ, नमाज का वक्त हो गया है, ऐसे करके उनको एग्जिट करना था। तो उन्होंने ऐसे कुरनिसात वगैरह किया, आलमपना अब मैं निकलता हूँ, नमाज का टाइम हो गया, और नमाज का टाइम बोल दिया उन्होंने इतनी ज़ोर से हम हंस पड़े थे, लेकिन वो अच्छा खासा ग्रैंड रिहर्सल ही थी इसलिए हम बच गए। लेकिन ऐसे ऐसे किस्से हुआ करते हैं। किसी ने एक बार मुख्तलिफ ये वर्ड एक एक्टर को याद नहीं आया, तो और हम सब नीचे से मुट्ठी करके मुख्तलिफ उसको
प्राउड भी कर रहे थे, लेकिन उसको याद नहीं आया मुख्तलिफ ये लफ्ज़, और उसने सुल्तान आम इंसानों से मुख्तलिफ होता है ये बोलना था उसको, सुल्तान आम इंसानों से डिफरेंट होता है ऐसे बोल के वो चला गया था शो के दौरान। तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स भी आते रहते हैं, मजा आता है लेकिन उसमें किसी की हमारे एक एक बार तो एक पर्दा किसी ने पहले ही गिरा दिया, और लास्ट में एंट्री और पर्दा ऐसा था, तो उसको पता नहीं चला क्योंकि उसके ऊपर लाइट था, तो उसने एंट्री ली थी और ऑलरेडी पर्दा बंद हो चुका था। ऐसे भी हुआ है बहुत। विच मीडियम यू लव द मोस्ट? थिएटर 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 की जो थिएटर की बात है ना, एक तो थिएटर का पहला परफॉर्मेंस और 50th परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर दिन उसमें कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ पाया जाता है, उसको हमसे कुछ दिया जाता है, एक चेंजिंग नेचर होता है। दूसरा, अगर 50 साल पुराना भी एक हाथ संहिता है तो वो आप इंटरप्रेट कर सकते हो। अभी शेक्सपियर को भी इंटरप्रेट हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो एक बार फिल्म हो गई तो हो गई, उसे उसी लाइट में देखना चाहिए। जैसे संत तुकाराम बहुत अच्छी फिल्म है, यूनिवर्सल है, इसलिए वो अपील करती है, लेकिन टेक्निक वाइज हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अगर शेक्सपियर में अभी करना चाहूंगी तो अब के जमाने में शेक्सपियर को हम तोड़ मरोड़ के भी कर सकते हैं, उस संहिता को अपना अपना रंग दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में थिएटर का ये एक मजा है, और थिएटर जो 40x40 का स्पेस होता है, मैं स्पेस ही कहूंगी, उस पे आप कुछ भी कर सकते हो, आप यूनिवर्स खड़ा कर सकते हो उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल में थिएटर थिएटर है, थिएटर थिएटर है, बाकी कुछ नहीं। कमल जैन नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? आपको आज की थिएटर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, मुझे भी मजा आ रहा था। चाह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिंग के बारे में बात ना करूं, लेकिन फिर भी वो मैं एक्टर हूं तो उसी उसी का थोड़ा सा उदाहरण लेके मैं बात कर रही थी, और मेरे एक्सपीरियंस से सारी बात कर रही थी। खैर, मुझे लगता है अभी 5:15 हो रहे हैं, ये अभी मुझे लगता है मुझे मैंने बंद कर देना चाहिए। फिर कभी मिलेंगे, और नटरंग को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये मौका मुझे दे दिया आपके समक्ष आने का, मेरे थिएटर थिएटर का जो मेरा लव है उसके ऊपर मेरा प्रेम है थिएटर में, वो आपके सामने बयां करने का मुझे अवसर दे दिया, इसलिए मैं बलवंत जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये माध्यम, ये जो माध्यम जो है वो बहुत नया है हमारे लिए, और एक्टर्स को ऐसे, खैर ये कमेंट्स पढ़ रही हूँ इसलिए जरा लग रहा है कि कोई देख रहा है, लेकिन ऐसे तो सामने कोई ना होने के बावजूद बोलना थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, लेकिन अभी तो आई एम ओके। और मेरे ख्याल में ये सीख भी लेना चाहिए हमको, क्योंकि मुझे लगता है दिस मीडियम हैज कम हियर टू स्टे। हमेशा हम कहते हैं कि ऐसे लगता है कि थिएटर मर जाएगा क्या, लेकिन थिएटर में ने हमेशा हमेशा से फाइट दी है। शुरू में थिएटर था, फिल्में आ गई, थिएटर बना रहा, टीवी आ गया, थिएटर बना रहा, अभी ये मीडियम आ रहा है, फिर भी थिएटर बना रहेगा, थिएटर मरेगा नहीं, वो जब तक आदमी है तब तक थिएटर जिंदा रहेगा, इसलिए मैं थिएटर को मानती हूँ। सैल्यूट थिएटर, थैंक यू वेरी मच।